ये कमरा यहां के हर कोने में ताकतवर जादू का खजाना है, और मेरी इजाजत के बिना यहां कोई नहीं आ सकता। ये आवाज कैसी? ये क्या? अरे कब से यहां छिपी हुई हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई, सच कह रही हूं, मेरी कुछ दीजिएगा प्लीज, मेरी जान मत लीजिएगा। पर तुम कौन हो? पहले मुझे माफ कर दीजिए। रोना तुम्हें नहीं, मुझे चाहिए। मैंने 20 सालों तक अपनी पहचान छुपाई और आज सब खत्म हो गया। आइट सर। हाँ? आखिरकार हमने किले पर कब्जा कर ही लिया, पर क्या आपको नहीं लगता आप बहुत सारे इंसानों को जिंदा छोड़ रहे हैं? चिंता मत करो, हमारे नए डीमन लॉर्ड अलग हैं। वो पुराने लॉर्ड की तरह नहीं है, उन्हें सिर्फ जीत से मतलब है। मगर बाकी लीडर्स का कहना है कि हम इस शहर में रहने वाले लोगों के गले काटकर पूरे शहर को जलाकर राख क्यों नहीं कर देते? अगर हम सभी को मार डालेंगे तो फिर टैक्स किससे लेंगे? तुम भूल गए क्या? आर्सेनम व्यापारों का शहर है। अगर शहर में कोई रहेगा ही नहीं तो फिर आपस में लेन देन कौन करेगा? हाँ आपकी बात में दम है सर, लेकिन हम आइक सर, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आए, आइक सर के सामने खड़े होकर तुम लोगों की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बोलो क्या बात है? हम बस ये जानना चाहते हैं कि डीमन लॉर्ड की आर्मी को हमें कितना टैक्स भरने की जरूरत है। जितना आज तक भरते आए हो। याद रहे, अगर किसी ने टैक्स भरने में आनाकानी की तो वो मेरी सजा से बच नहीं पाएगा। समझ गए ना सब? अरे ये तो छू मंतर हो गए। अरे नहीं, आपने वादा किया था कि इस तरह अचानक आप नहीं आएंगी कमांडर। तो फिर ये लो। क्या बात है, वो छोटा सा लड़का जो इतने वक्त तक अपने दादाजी और महान मैजिशियन रोम्बर की परछाई बना रहा, वो आज इतना शक्तिशाली हो गया। मुझे पता था तुम्हें ये जिम्मेदारी देकर मैं कोई गलती नहीं कर रही। ये है डिमन लॉर्ड्स आर्मी की 7th कॉर्प्स कमांडर सेफिरो। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये मेरी बॉस है और इकलौती डीमन जिन्हें मेरा राज पता है। आप क्यों आई, किसी और को भेज देती तो सरप्राइज देने का मौका कैसे मिलता? वैसे भी काफी दिन हो गए थे। आर्सेनम की वजह से आई है, मैं उसकी रिपोर्ट सबमिट करने की सोच ही रहा था। मेरे लोगों ने मुझे तुम्हारी उस बेहतरीन जीत के बारे में काफी पहले बता दिया है। आखिर कैसे तुमने उस शहर को अपने कब्जे में कर लिया एक? लेकिन मैं उसके लिए नहीं आई। फिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको यहाँ तक आना पड़ा? दरअसल बात यह है कि डेरोकोटे ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। हा? तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम पहले ब्रिगेड कमांडर हो जिसे ये मौका मिल रहा है। लेकिन मैं ही क्यों? इसकी वजह ये भी हो सकती है आई कि एक ही हफ्ते के अंदर तुमने आर्सेनम पर कब्जा जो कर लिया, तो इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा ताकि तुम्हें अपने साथ डीमन लॉर्ड के किले में ले जा सकूं। अभी इसी वक्त? सवाल कम करो और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखो। तुम तो बड़े अदब वाले निकले, मुझे लगा था तुम मौके का फायदा उठाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा। Oh.